अस्सलाम वालेकुम डियर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, उर्दू की किताब खोलें, नामुमकिन से मुमकिन का सफ़र। ठीक है, ये आप लोगों ने करना है अपने कॉपीज़ के ऊपर और बुक्स के कॉपीज़ के ऊपर आपने इसके क्वेश्चन आंसर करने हैं, अल्फाज मायने करने हैं। ठीक है, इसकी रीडिंग करनी है। ये सबक जो है वो दो भाइयों के बारे में जो राइट ब्रदरान के नाम से मशहूर हुए थे। ठीक है, एक का नाम था विल्बर राइट और दूसरे का नाम था ऑरवल राइट। ठीक है, इन लोगों ने जो है वो जहाज़ बनाया था और उसके बाद जो है वो इस सबक में उनके बारे में लिखा हुआ है कि किस तरह से उनको जो है जहाज़ बनाने का जुनून सवार हुआ, उनका ख़ानदान कैसे था, उनकी फैमिली किस तरह की थी, उनके माँ बाप ने उनको किस तरीके से उनके अंदर जो है वो इस चीज़ को उभारा कि वो कुछ कर सकते हैं। ठीक है, ये दो भाइयों की कहानी, इसको आपने पढ़ने, उसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर्स आप लोगों ने करने और अल्फाज मायने करने। ठीक है, उड़ाने भरना, परवास करना, एयर म्यूज़ियम, ऐसा अजायब घर जिसमें फ़िज़ाइया से मुतालिक चीज़ें रखी गई हों, अहले दुनिया, दुनिया वाले, प्रिंटिंग प्रेस, छापा खाना, तजस्सुस, तलाश, तालीम याफ्ता, पढ़ा लिखा, तकवीत, ताकत, रुझान, तवज्जो, शर्मिंदा ताबीर होना, अमली शक्ल पाना, शोहरत को पर लगना, बहुत जल्दी मशहूर होना। उसके बाद सवाल जवाब है, परिंदों को फिज़ा में उड़ते देखकर इंसान के दिल में क्या ख्वाहिश पैदा होती है, इंसान को भी उड़ने की ख्वाहिश पैदा होती है। राइट ब्रदरान कहाँ के रहने वाले थे, राइट ब्रदरान अमेरिका के रहने वाले थे। राइट ब्रदरान के घर का माहौल कैसा था, राइट ब्रदरान के घर का माहौल मजहबी और अमली था। बचपन के माहौल ने राइट ब्रदरान पर कैसा असर डाला, बचपन के माहौल ने राइट ब्रदरान में तजस्सुस का मादा उभारा था। राइट ब्रदरान के इस कारनामे से आपने क्या सबक हासिल किया, मुसलसल मेहनत से इंसान कामयाब हो जाता है। राइट ब्रदरान की वालदा कैसी खातून थी, राइट ब्रदरान की वालदा तालीम याफ्ता, साइंस और रियाजी की माहिर थी। राइट ब्रदरान का बनाया गया खिलौना हेलीकॉप्टर क्यों ना उड़ सका, खिलौना हेलीकॉप्टर इसलिए ना उड़ सका क्योंकि इसका वज़न बहुत ज़्यादा था। ठीक है, ये आप लोगों ने करना है अपनी कॉपीज़ पर, सवाल जवाब, अल्फाज मायने।